टुडे टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। प्रस्तुत है टुडे टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। सहायक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजधानी शिमला अब कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि सड़कों पर बिखरा कचरा महामारी का कारण बन सकता है, तो कचरे के ढेरों पर बैठे बंदरों और आवारा जानवरों के आतंक ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। प्रस्तुत है संवाददाता ओमी राष्ट्रा की विशेष रिपोर्ट। सहब कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शिमला में कचरा उठाने वाले कर्मचारियों द्वारा कचरा ना उठाए जाने के कारण स्थान स्थान पर कचरे के ढेर जमा हो गए हैं। उच्च न्यायालय ने भी सहब कर्मचारियों को हड़ताल छोड़ काम पर लौट आने के आदेश दिए थे, लेकिन वे रविवार को कचरा उठाने के लिए नहीं आए। इससे पहले नगर निगम के साथ भी सहब कर्मचारियों की बैठक विफल रही थी। स्थानीय लोग ये मानते हैं कि बार बार होने वाली हड़ताल नगर निगम शिमला की विफलता का परिणाम है। यही कारण है कि भाजपा पार्षद अनीता चौधरी सहित कांग्रेस के पार्षदों ने भी महापौर शिमला कुसुम सदरेट के त्याग पत्र की मांग की है। चौथी स्ट्राइक चल रही है इस तो मुझे लगता है अगर स्ट्राइक का कोई अगर मुझे रहेगी इस पर अगर स्ट्राइक का कोई महत्व होता तो ये स्ट्राइक मानी जाती। जब इसमें कोई बेस ही नहीं था स्ट्राइक का, तो इसका करने का कोई फायदा ही नहीं मुझे लगा। क्यों जब इनको जानकारी, जब इनके लिए पॉलिसी बनी थी, जब फ्रेम हुई थी, उसमें कहीं भी ऐसा क्लॉज नहीं था कि इनको कभी जो है रेगुलर किया जाएगा या इनको कभी मर्ज किया जाएगा। कभी ऐसा है नहीं, और इन लोगों को जानकारी है कि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इसको पूरी तरह से पढ़ा। परसों मेरी मीटिंग हुई, मैंने उनको पूरा पढ़ के बताया कि इसमें कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हाँ जी हमें भी जानकारी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आइए तो आप ये करो। हमने ये कहा उनसे कि भाई जब हमारे स्तर पर ये बात हो ही नहीं सकती है तो हम कैसे करेंगे। हमने ये कहा जो और सुविधाएं आपको देनी है वो हम दे सकते हैं। आपका जो हाइक करने का था, हमने सैलरी आपकी हाइक करी 20%, वो भी आपने उस दिन हमें लिख के दिया था कि अब हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन्होंने रिटर्न में हमें दिया और साइन किए, बकायदा जो इनका प्रधान है उसे साइन किए कि हम लोग स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है जो इनकी स्ट्राइक थी, या तो शायद इनको किसी ने बोला था कि स्ट्राइक करो, या मैं कहूँगी या कोई रैली चल रही है, मैं कुछ इस विषय में पढ़ना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो ये स्ट्राइक थी सब कोई महत्व नहीं था स्ट्राइक करने का। इनको हम लोग सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो इन्होंने मांगा वो हमने इनको दिया है, लेकिन जो अब जो देने की बारी थी वो हमारे बस में नहीं था और हम नहीं दे सकते और ना ही हम कर सकते थे। क्योंकि इनको मर्ज करना होता तो शायद कांग्रेस सरकार अपने टाइम में कर चुकी होती, और CPM-IM वाले जो अभी तक चल रहे थे, अभी तक उन्होंने मतलब रहे हैं वो सत्ता में, तो अगर ये करना होता तो अपनी सत्ता में रहते हुए कर लेते। आज जो नारे लगा रहे हैं तो उनको उस टाइम ही, उनको जब उनके समय में जब ये स्ट्राइक 34 दिन चली थी, आज वो इस चीज की लड़ रहे हैं कि इनको रेगुलराइज किया जाए। जब अगर जब उनके समय में 2015 में जब स्ट्राइक हुई थी, 28 अगस्त को ये स्ट्राइक शुरू हुई थी और 30 सितंबर को खत्म हुई थी। अगर वो रेगुलराइज करने वाले होते तो अपने समय में ही कर देते, ना कि फालतू का इशू ना बनाते हुए। क्योंकि जो हमारा काम है, हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। जब जब हमें लगता है कि स्थिति वार्ड में खराब हो रही है कूड़े की, हम लोगों ने अपने आप जाके, मैंने, डिप्टी मेयर ने, हमारे पूरे पार्षद ने जाके हर जगह जो है सफाई व्यवस्था का काम किया, सफाई करी हम लोगों ने पूरी। और हम लोग आज भी मुकर नहीं रहे हैं, कल से हम लोग सफाई अभियान करेंगे। ये इस्तीफे की बात वो वही जाने, हम इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहेंगे।